भिवंडी न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए जरूर। भिवंडी पूर्व के समाजवादी पार्टी के आमदार रईस का शव शेख, आज उनका 1 जून को जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में भिवंडी शहर के अलग अलग इलाकों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जन्मदिन के मौके पर अस्पताल में कई दिनों से बंद पड़ा था, वहां पर इंदिरा गांधी अस्पताल में 3 ऑपरेशन थिएटर थे, लेकिन शायद ही किसी काम के नहीं थे, और अब यह 2 और ऑपरेशन थिएटर मिलाकर इंदिरा गांधी अस्पताल में टोटल 5 ऑपरेशन थिएटर हो जाएंगे, जो कि पूरी तरह से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस है। भिवंडी शहर के भंडारी कंपाउंड के रहने वाले रहमान, जिसकी नियुक्ति में भारतीय थल सेना में हुई है, उसके हाथों से ही ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया गया। भारतीय थल सेना में नियुक्ति मिलने के बाद रहमान खान और उनके पास से दोस्त भारतीय सेना में है और छुट्टियां मनाने घर आए हैं। उनका भी आमदार रईस शेख ने फूल माला देखकर सत्कार किया। जानकारी देंगे क्या क्या कार्यक्रम आज सुबह से किया गया है। हमारे विधायक जी माननीय श्री रईस कासम शेख ने अपील की थी कि आप लोग केक ना काटे और कुछ हुड़दंग ना करें, कुछ शोर ना करें, सादगी से मनाए और फलाही काम करें। इसलिए हम लोगों ने सुबह ब्लड डोनेशन कैंप किया सलाउद्दीन स्कूल में, जिसमें तकरीबन 116 बोतल खून वहाँ जमा हुआ। फिर उसके बाद कल्याण रोड पर एक मेडिकल कैंप हुआ, एक वार्ड नंबर 9 में आसार भाई के उधर कैटरेक का कैंप हुआ, कादरिया मस्जिद पे गरीब बच्चों को खाना खिलाया गया, वजीर भाई किए थे प्रोग्राम। उसके बाद ये फ्रूट बांटे गए इंदिरा गांधी में, सद्दाम भाई शाम में खाना खिला रहे गरीबों को, वो आशियाना वेलफेयर सोसाइटी वाले, वे इसमें बुक बांटी गई। इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम हुए, कहीं शरबत बांटा जा रहा, तो ये फलाही काम किए जा रहे हैं। और ये बहुत अच्छा लगा आमदार साहब का मैसेज कि भाई फलाही काम करिए, बस केक काटना, ये घूमना, वो घूमना, ठीक, मगर ये फलाही काम करेंगे, लोगों की दुआएं मिलेगी इंशाल्लाह। और ये जो आज काम हुआ, जो ऑपरेशन थिएटर ओपन हुआ, हमारे जवानों ने करा, जवानों ने ओपनिंग करा है, बहुत फख्र महसूस कर रहा हूँ। हमारे जवान जो हैं उन्होंने ओपनिंग किया, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद एक चौहान टॉयलेट बनी चौहान कॉलोनी में, उसकी ओपनिंग रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, और शाम में आप लोग थोड़ा टाइम निकाल के 7:30 बजे आइए, जगह तो आप लोग को मालूम ही है। शुक्रिया। हम लोग किसी को भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि हम चाहें भी बोले कि हमारा बेड फुल है, हम बोल नहीं सकते। आज आईजी में एक अच्छी शुरुआत हुई है और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर होगा। अभी तो सिर्फ 4 करोड़ और 5 करोड़ का काम हुआ है जी। अभी हमारा टेंडर 17 करोड़ का बन रहा है, और उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि 200 बेड से बोलते थे, कागज़ पे कहीं नहीं था। वो 200 बेड की प्लानिंग करके रमेश इंजीनियर साहब आज नहीं है, उनको क्यों नहीं बुलाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका शुक्रिया कि उन्होंने मुसलसल यहाँ पे काम किया। डॉक्टर यासिन काजी साहब का शुक्रिया, आज वो भी नहीं है मुसलमान जी, उनका भी शुक्रिया और तमाम लोगों का शुक्रिया और स्टाफ का सबसे पहले शुक्रिया। थैंक यू एवरीवन। तरह तरह की
जावेद भाई आओ ना।